नगर निगम के चुनाव घोषित हो चुके हैं, लेकिन भाजपा कार्यालय में जिस प्रकार से उम्मीदवारों का जमावड़ा लगा है उससे मालूम पड़ता है कि ये टिकटार्थी हैं, समाज से भी नहीं। इन्हें टिकट चाहिए, समाज से कोई मतलब नहीं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में भी उसी प्रकार से भीड़ देखने को मिली, लेकिन अभी तक ये प्रामाणिकता से हम नहीं जांच पाए कि आखिर ये पार्षद उम्मीदवार प्रमाणित वास्तविक हैं या मात्र टिकट के लिए पैरवी कार है। हालांकि ये सब कोई चेयरमैन, कोई जिला परिषद और तो कोई पार्षद टिकट के टिकटार्थी हैं। इनके जमावड़े से दिख रहा है कि ये मेला लगाने के लिए पार्टी कार्यालय में चाटुकारिता करने के लिए तो पहुँच गए, लेकिन इन्हें जनता के, जनतंत्र के, जनहित के कार्यों से कोई। इस बीच हमने समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष से बात किया है। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशी मैदान पे नहीं उतारे, उसके पीछे का कारण क्या है और आखिर कब तक उतारेगी, इस पर हम बातचीत करते हैं। फारिक सिद्दीकी जी उपस्थित है, नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। आइए हम बातचीत करते हैं, आखिर समाजवादी पार्टी का पैमाना क्या होगा टिकट देने का और कब तक वितरण हो सकती है। समाजवादी पार्टी के हमारे जो सम्मानित साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए काम किया है, माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों पर और समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हैं, जनता सेवा करते हैं, जो हमारे संगठन में पार्टी के निर्देशों का पालन करते हैं, प्राथमिकता उन्हीं आवेदनकर्ताओं को दी जाएगी। कई आवेदनकर्ता हैं जिन्होंने पहले से ही अपने आप को प्रत्याशी घोषित कर दिया, प्रत्याशी लिखकर, उन पर कैसी कार्रवाई और किस तरह से नजर डालेंगे आप? देखिए, टिकट मांगना सभी साथियों का, कर्ताओं का अधिकार है, प्रत्याशी लिखना अधिकार नहीं होता। प्रत्याशी अब सभी लिख रहे हैं तो उस पर लिखे। अब जिस दिन प्रत्याशी हमारे अधिकृत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषित कर देंगे, उसके बाद मैं समझता हूँ सारे जो प्रत्याशी हमारे साथी हैं वो अपना उतार लेंगे और जो अधिकृत प्रत्याशी हैं उसी का प्रचार करेंगे, उसी को जिताने का काम। कब तक हो जाएगा? बस दो एक दिन के अंदर से एक सूची जारी हो जाएगी। हम 4 तारीख तक हो सकता है।